मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 133 मिनट के भाषण में महज 2 मिनट ही पीएम ने मणिपुर का किया जिक्र। राहुल गांधी का वार। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जो मणिपुर में हालात देखे वैसे आज तक कहीं नहीं देखे। कहा दो हिस्सों में बांट दिया गया मणिपुर को। मणिपुर के मुद्दे पर गुरुवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के लोकसभा में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर पर 2 मिनट बोले, जबकि मणिपुर में महीनों से आग लगी है, लोग मारे जा रहे हैं, दुष्कर्म हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री हंस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, और अगर आपने देखा होगा कल तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को दो घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से मणिपुर के हालात पर बात की और राहुल गांधी ने कहा कि 19 साल के अनुभव में मैंने मणिपुर में जो देखा सुना वैसा पहले कभी नहीं देखा। संसद में मैंने कहा था पीएम और गृह मंत्री ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया गया है, ये खोखले शब्द नहीं है। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए हमें कहा गया अगर कोई मेटे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए हमें मेटेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट हैं। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है।